पहले छोटा में यहाँ जामतड़ा में रहते थे हम लोग, तो हर चीज में पोस्तू ही डालता था। चामड़ा पोस्तू हो जाए, चाहे आलू चो आलू चो आलू के साथ हो जाए, कोई भी चीज में मछली में पोस्तू। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ऑटो वाले भी बस आने वाले, वो आएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी क्या कि हम सुबह नहा लिए थे, पापा अभी नहा लिए है। ठीक है दादी, आते हैं। दोस्तों गाड़ी लेके निकल चुके हैं और हमारा सफर भी गुवाहाटी का चालू हो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में फिर स्वागत है। दोस्तों सुबह 11 बज रहा है और अभी हम जामतड़ा में ही अपने घर पर ही, देख सकते हैं मेरा घर ही है। और हमारा क्या है, गुवाहाटी का लूट हुआ, सब लोग से देखे हैं जब हम गुवाहाटी लूट किए हैं। तो अब हमारा शाम से आज सफर हमारा चालू हो जाएगा गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी का 8-850 किलोमीटर पड़ता है और ठंडा ठंडा मौसम है, रात में जितना सफर काटना ही है अभी। और फिर हम देखते हैं कल कहाँ तक पहुँचेंगे, सुबह तक कहाँ हमारा सुबह होता है। कोशिश तो रहेगा कि सिलीगुड़ी आसपास पहुंच जाए, बिहार भी पार हुई तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम पिछले बार जो लाए थे पेड़, यहाँ पे काफी लंबा बड़ा हो चुका है ये, और बहुत अच्छा है इसका फूल है, बहुत बड़ा बड़ा फूल देता है एकदम। हमारे घर का पूजा के लिए कम से कम डेली का 2-3 फूल मतलब दे ही देता है, घर में उसी से पूजा होता है, मतलब बहुत अच्छा है। इसी टाइप का गार्डन वगैरह आप देखें, रामगढ़ में हमारा जो बाउंड्री घिर रहा है वहाँ पर भी हमारा लगने वाला यही सब पेड़ वगैरह, क्योंकि अभी हमारा वहाँ पर जो पूजा होता है घर में ना, तो फूल लाने के लिए कभी इधर उधर जाना पड़ जाता है। तो हमारा घर पे फूल रहेगा तो हमारे यहाँ से भी कोई लेके जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तैयारी करते जा रहे हैं नहाने के लिए। अभी दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखिए आज बनाए खिचड़ी और इधर चोखा, पोस्तू का सब्जी और इधर सब्जी है, पोस्तू का चटनी है, आलू चोखा है और ये बैंगनी वगैरह बना हुआ है। ये देखिए बहुत दिन बाद आज शनिवार को मिला है खिचड़ी, क्योंकि बहुत सफर तो रह गया गाड़ी रास्ते में ही, तो आज शनिवार इसलिए इसके तरह हमारा खिचड़ी ही बना है। देखिए बहुत अच्छा है, खाते खिचड़ी अभी। पहले छोटा में यहाँ जामतड़ा में रहते थे हम लोग, तो हर चीज में पोस्तू ही डालता था। चामड़ा पोस्तू हो जाए, चाहे आलू चो आलू चो आलू के साथ हो जाए, कोई भी चीज में मछली में पोस्तू। अब तो इतना मतलब डुप्लीकेट हो गया है और ओरिजिनल मिलता भी नहीं है, और महंगा भी बहुत ज्यादा हो गया, उसके चलते उसमें मिलावट हो गया, तो अब मजा नहीं आ रहा वो चीज। फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता तो कहीं कहीं। देखिए अभी आते हैं तो इधर पोस्तू का चटनी है, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए पोस्तू के साथ खाते हैं खिचड़ी। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ऑटो वाले भी बस आने वाले, वो आएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी क्या कि हम सुबह नहा लिए थे, पापा अभी नहा लिए हैं, बाकी सारा सामान भी ले लिया। और ये देखिए दादी थोड़ा सा ये दे दी है पपीता, अपने घर का पपीता, इसमें दो पपीता है, अब इसको ले जाएंगे सुबह सुबह नाश्ते में, यही खाएंगे हम लोग। ठीक है दादी, आते हैं। हाँ 50 रुपये दिए ना। चलिए दोस्तों फिर से मिल गया 100 रुपया, अभी निकल रहे हैं। कहाँ जाएं? हम जाएं दोस्तों गाड़ी लेके निकल चुके हैं और हमारा सफर भी गुवाहाटी का चालू हो गया है। और यहाँ से अभी कम से कम 100 किलोमीटर दूर हमको बिहार बॉर्डर मिलेगा। अभी बिहार बोलो हसडिया बोलते हैं, दुमका के आगे हसडिया है, वहीं से बिहार लग जाता है। तो फिर वहाँ से फिर कम से कम 200-250 किलोमीटर का सफर रहेगा हमारा बिहार का, फिर बंगाल हम इन कर जाएंगे, फिर बिहार के बंगाल के बाद फिर हम आसाम में इन करेंगे। अभी लंबा काफी सफर है, 850 किलोमीटर अभी सफर है अभी। ठीक है, और गर्मी के कारण लेकर के दिन में गाड़ी नहीं चलता है। अभी देखिए मौसम ठंडा है तो हम भी इसलिए घर में रुक गए थे कि शाम में निकलेंगे। देखिए शाम में निकल गए हैं। तो अभी क्या होता है ना कि दिन भर जो हम लोग जो चलाते हैं गाड़ी या कहीं गाड़ी लगा कर आते हैं, तो शाम में जब थोड़ा ठंडापन लगता है ना, रात को 8-9 बजे थोड़ा सा आदमी को नींद आने लगता है, लेकिन जबकि गर्मी में हम लोग को गाड़ी चलाना चाहिए रात में ही। गर्मी में जितना हर गाड़ी है जो कि दोपहर में गाड़ी नहीं चलता है, फिर अपना लगा के सो जाता है, फिर अपना शाम में लेके निकलता है, तो रात में चाहता है जितना रात तक चला ले उतना ही अच्छा रहेगा, कोई 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे तक, तो हमारा भी टारगेट वही रहता है। फिर एरिया भी देख करके, एरिया भी देखना पड़ता है हम लोग को। तो उसके बाद जो सुबह सुबह भी जो हम लोग का जो सफर कटता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कटता है। सुबह अगर हम लोग 4 बजे भी उठ के चलते हैं तो 10-11 बजे तक बहुत ज़्यादा सफर कट जाता है, तो भी बहुत अच्छा लगता है उसमें सफर कट जाता है। फिर 12-1 बजे आदमी नहाया धोया खाना खाया पेड़ के नीचे लगा के सो गया, फिर मौसम ठंडा हुआ तब चलता है। तो हर सीजन का हम लोग अलग अलग सिस्टम से गाड़ी चलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी सफर काटते हैं, अभी काफ़ी लंबा समय है मेरा अभी। दोस्तों अभी
रात के 8 बज चुके हैं और हमारा झारखंड का सफर अभी कंप्लीट हो गया और हम लोग इंटर रहे अभी बिहार में। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग बिहार में इन कर चुके हैं और बिहार का सफर करीब हमारा 200-250 किलोमीटर के आसपास का है। दोस्तों आज हम लोगों को कैसे भी करके बिहार पूरा कंप्लीट करना है, बिहार कंप्लीट करके बंगाल इन कर जाएंगे और उसके बाद फिर कल हमारा बंगाल का सफर फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज थोड़ा रात में अभी क्या कि ठंडा ठंडा मौसम है तो आराम से हमारा सफर भी कट रहा है, बस थोड़ा 4 लाइन रहता तो सफर थोड़ा और जल्दी कट जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जल्द से जल्द हम लोग बिहार को कंप्लीट करते हैं और बंगाल में इन करते हैं। दोस्तों अभी रात के 12 बज चुका है और भागलपुर पार कर रहे हैं, यहीं से गंगा नदी स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ जा रहे चाय पीने के लिए, तो थोड़ा रात का टाइम है तो थोड़ा चाय पी लेते हैं कि नींद थोड़ा सा भाग जाने के लिए। देखिए चाय दुकान पा रहे हैं, थोड़ा रात में क्या ना कि थोड़ा गाड़ी चलाते तो नींद आता तो चाय पीने से नींद बाहर जाता है। तो अभी काफ़ी रात भी हो चुका है, 12 बज चुका है, अभी 9 बज के यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है, यही चाय दुकान पाए हैं। ये भाई साहब लोग चाय, ये सारे लोग हमारे सारे सब्सक्राइबर है, सब हमारे देखते हैं वीडियो और रात में एक बार और पहले भी हम रुके यहाँ पे, समझे। चलो भाई चाय पिला थोड़ा बढ़िया वाला कि नींद फाड़ दे एकदम। दोस्तों अभी चाय तो पी लिए, अब जा रहे हैं यहाँ गाड़ी लेकर के, अब उस पार जाते हैं गंगा नदी पार करके उस पार। कई बार रात के 12 बज चुका है तो सागर भी सो गया है, ये मेरा गाड़ी खड़ा है उधर और सागर अभी सोया हुआ है। वो सोता है इसलिए कि फिर उसके एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है तो लेट हो जाता है, रात में हम भी गाड़ी चलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी लेकर के। दोस्तों चाय तो पी लिए, चाय पी के निकल भी चुके हैं और देखिए गंगा ब्रिज पे अभी हम आ गए हैं। दोस्तों ये गंगा ब्रिज पे अभी चल रहे अभी हम, और यहाँ से अभी कम से कम बिहार और रह जाएगा 150 के आसपास रह जाएगा यहाँ से, और रात के 12 ही बज चुका है। तो कल दिन में भी गाड़ी चलाना है थोड़ा, तो उसके लेकर हम सोच रहे कहीं 2-3 घंटा सो ले, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है तो नींद भी आ जाएगा। गर्मी में तो दिन में नींद नहीं आता है, वो सोच रहे कहीं पार करके नौगछिया है, पूर्णिया है, इधर आसपास कहीं बढ़िया होटल देख करके प्लानिंग है कि 2-3 घंटा सोना भी जरूरी रात में, और जब भी होता है रात में नींद पूरा होता है, दिन में कभी नहीं होता है। आराम से आदमी 2 घंटा सो लेगा रात में भी ना तो हो जाता है। तो चलते हैं जगह देखते हैं कोई अच्छा सा, फिर रुकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, हम लोग अभी पूर्णिया बाईपास में ही है क्योंकि रात में हम करीब 2:30 बज गया था, 2:30 बज गया था यहाँ पर आने में, तो यहीं पर आके रुके थे। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा पम्प वगैरह भी है और बहुत सा गाड़ी भी खड़ा है यहाँ पर, सब रुका हुआ रात में तो हम भी यहीं पर रुक गए। और ये हमारा पूर्णिया का बाईपास है, तो अभी यहाँ से बॉर्डर मात्र रह गया है 40-50 किलोमीटर, ऐसे बॉर्डर रह गया है, जादू है नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ फ्रेश हो लिए अभी, अब निकलते हैं क्यों, रात बॉर्डर वैसे भी जाम रहता है, रात जा नहीं सकते थे, अब 2-4 घंटा सोना भी जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर पानी उनी भी भर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि टेम्पू वगैरह में और चीज़ में फिल्टर वाला पानी बेचता है, तो मेरा गाड़ी में थोड़ा डब्बा में पानी था तो उसको खाली कर ले, बोतल रखते हैं गाड़ी में इसी लेकर के, गर्मी में देखिए बोतल रखते हैं, ये पानी भी भरा जाएगा उसमें, ये सब धोने धाने के लिए काम आता है, कई बार बरस वरस भी करते हैं, धोते धाते हैं उसके लिए भी काम आ जाता है। पानी मतलब हम बर्बाद नहीं करते हैं कभी कुछ भी धोने धाने के लिए, अभी हम बाल्टी को खाली कर दे रहे हैं और जहाँ पे हमको मिलेगा वो फिल्टर वाला पानी वाला, तो फिल्टर वाला पानी भर लेंगे हम। तो ठीक है पहले बोतल भर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी लेके निकल चुके हैं और आज हमारा सफर चालू हो गया, बस अभी बंगाल थोड़ी देर में इन कर ही जाएंगे और आज संडे भी है तो सोच रहे संडे का थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए कुछ बनाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी मटन नहीं बनाएंगे, अभी मटन खाना थोड़ा कम कर देंगे और चिकन भी बनाएंगे तो थोड़ा कम, 2 जन बस दोपहर में हो जाए बस इतना ही, करीब 1/2 किलो के आसपास उतना ही बनाएंगे, उतना ही चलेगा। तो मछली या चिकन यही दोनों अभी हम लोग बनाने वाले हैं, तो और अंडा थोड़ा गर्म हो जाता है इसलिए अंडा नहीं बना रहे हैं, तो चिकन ही मिलेगा क्योंकि रास्ते में ज़्यादातर चिकन ही मिलता है, मछली थोड़ा अंदर मिलता है बाजार में। और चलिए कोई बात नहीं, आज से हमारा सफर आप बंगाल में स्टार्ट होगा, बंगाल में ही जाके इन करके कहीं अच्छा से चिकन लेते हैं और बनाना स्टार्ट करेंगे। और गाड़ी में हमारा सब्जी भी पूरा खत्म हो गया है, देखिए घर में उतना दिन रुके थे तो हम लोग गाड़ी का भी सारा सब्जी ले जाके वहीं पे बना लिए थे, तो लेना पड़ेगा हम प्याज मिर्चा सब कुछ खत्म हो गया है गाड़ी में, ये देखिए इधर भी कुछ नहीं है और उधर भी सब्जी भी कुछ नहीं बचा है। दोस्तों अभी यहाँ पे फिल्टर वाला पानी मिल गया है तो दोनों बाल्टी में भर लेते हैं। दोस्तों अभी पानी मिल गया है, टेम्पू वाला जो बोले थे वो देखिए जा रहे भरने के लिए, ये हमारा पानी कैसे बोतल बाबू, ठंडा पानी है, चलो भर दो वाला है, 20 रुपया बोले 50 रुपया, एक डब्बा का 20 रुपया है ना, चलो 30 रुपया 20 से 30 हो गया, चलो ठंडा है, सुबह सुबह इसलिए लेते हैं कि थोड़ा ठंडा मिल जाता है, ज्यादा ज्यादा धूप हो जाएगा तो फिर गर्म हो जाता है, उसके लेकर नहीं लेते हैं। ये देखिए गाड़ी खड़ा कर दिया यहाँ पे,
और पानी तो खैर इधर मिल जाता है, तो फिल्टर पानी अच्छा लगता है, तो सब पानी पीते हैं वही पानी। ये देखो भर गया एक डब्बा, दोस्तों पानी का भी भर लिए, देख सकते हो टेम्पो यहीं खड़ा अभी, तो पास में चाय का दुकान है, चाय भी बड़ा अच्छा लगता है, तो हम कहते चाय पी लेते हैं, तो सुबह सुबह तो पीते हैं, तो गर्मी तो पीते नहीं ज़्यादा, सुबह हो गया शाम हो गया बस काफ़ी हो गया, चलो चाय पी कर निकलते फिर यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग पानी लेके तो निकल चुके हैं और अभी सिग्नल के पास में रुके हैं, तो यहाँ पे ग्रीस बनवा ले रहे गाड़ी में, और पापा थोड़ा चले गए हैं बाजार वही लाने के लिए, जो मिलेगा चिकन मछली जो मिलेगा वो लेके आएंगे, तो पहले ग्रीस करवाते हैं, ये भी बहुत जरूरी रहता है। दोस्तों भी पापा आ चुके हैं और सब कुछ लेके आ गए, सब्जी भी देखिए। दोस्तों अभी सामान सब ले लिए, जो जो घटा हुआ देखिए, मेरा टोकरी खाली था, टोकरी पूरा भर गया, और सत्तू वगैरह भी रखे हम, इसलिए नींबू वगैरह ले लिए हैं, तो अभी तो हम गुलाब बाग में हैं और यहाँ से ज्यादा दूर बॉर्डर रहा नहीं, अब रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर बॉर्डर, तो उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी आएगा, उसके बाद अपना फिर उधर आसाम का सफर चालू होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा ये सब, क्योंकि चिकन भी ले लिए हैं और 1 kg चिकन तो लाए थे गोटा देसी वाला, तो कट पीट के तो हमको लग रहा है कि 3 पाव तक हो गया है, 3 पाव तक, गर्मी है एक ही टाइम खा के खत्म करना है, अब रखने वाला काम है नहीं, खराब हो जाता है, और ये सब अब गर्मी में ज्यादा मसाला वसाला खाना भी नहीं चाहिए और खाने का मन भी नहीं करता, इसके लिए आज लास्ट था, इसके लिए लिए हैं क्योंकि आगे हमारा फिर बंद होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।